साउंडिंग गाइस, दिस इज समर फॉर मी एंड जूस। और अब अल्लाह का शुक्र, पहले से मेरी बहुत बेहतर तबीयत है। अभी चलना फिरना नहीं है, लेकिन तबीयत अल्लाह का शुक्र पहले से बहुत बेहतर है। तो बाकी प्लस्तर भी रहता है, वो तंग करता है, जलन वगैरह बहुत होती है। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वो स्टेप का जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है उसके बारे में है। तो उन्हें अपनी डेट दे दी है, ठीक हो गया। आई थिंक 26 मार्च है और उस डेट को उनका टेस्ट होगा। फ्री है ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, इसकी अहमियत काफ़ी है, ठीक है। खासकर रिपीटर्स के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिपीटर्स ने 1 साल अपना लगाया होता है। उन्हें एक किस्म का ना, अब जो तैयारी करनी होती है ना दोबारा से एकेडमी में, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा चांस होता है कि यार उनकी तैयारी पहले से होती है तो वो ये टेस्ट इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि किसी का ये टेस्ट पास नहीं होता तो उसका एंट्री टेस्ट भी आगे क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट एक होता है कि ज़रा मुश्किल समय बनाया होता है ना, मुश्किल से बनाने से मुराद ये है कि इसके MCQs और तरह के होते हैं, बिल्कुल MDCAT वाले उस हिसाब से नहीं होते। बाकी ज़ाहिर बात है, स्कॉलरशिप देनी होती है, ठीक है, तो उसका भी एक इफेक्ट आ जाता है ना कि वो ज़्यादा इजी नहीं बना सकते। दूसरा, इसका जो सर्कल फिलिंग होता है वो ज़्यादा इशू करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मकसद है कि खासकर रिपीटर्स इस वीडियो को लाजमी सुने, फ्रेशर भी सुने, ठीक है। रिपीटर्स को मैं इसलिए बार बार रिपीटर्स का नाम ले रहा हूँ क्योंकि रिपीटर्स ने यार पहले पिछले साल 20 में भी ये दिया हो, ना भी दिया हो तो उन्हें आइडिया होता है कि एम कैट की तैयारी उन्होंने की होती है और अभी भी वो टॉपिक रिवाइज कर रहे होते हैं गाहे बगाए ना, ठीक है। तो अब ये टेस्ट आ रहा है तो आप ये लाजमी दें, फ्रेशर्स भी लाजमी दें, रिपीटर्स भी लाजमी दें। और फ्रेशर भी ये स्कॉलरशिप गेन कर जाते हैं, कोई मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिपीटर्स ही गेन करते हैं, कई रिपीटर्स भी रह जाते हैं। तो इसके टेस्ट का ये होता है कि ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर होता है, ठीक है। MCQs उन्होंने बता दिए होते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, आप स्टेप की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है इसका, या जो भी, या जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं अपने नियरेस्ट पंजाब कॉलेज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकती है तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर नहीं है साइट के ऊपर उसका लिंक वगैरह, ठीक है, तो आप फिर जो नियरेस्ट आपका पंजाब कॉलेज है या जहाँ स्टेप की जो नियरेस्ट ब्रांच है आप किसी भी सिटी में, तो आप वहाँ से जाके ना इसकी आप करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने इसकी तैयारी अच्छी तरह इंशाल्लाह शुरू करनी है। जो फ्रेशर हैं उनके लिए होता है कि यार हम कैसे मैनेज करें, तो कोई इशू नहीं है, आपकी लास्ट ईयर चल रहे हैं आपके कॉलेज में, आप स्पीड से सिलेबस ना कवर करवा रहे होंगे। तो आपने लाइक टेस्ट सेशन आपका मार्च के एंड पे ऑलमोस्ट स्टार्ट होगा, तो अभी आपको इतना नहीं है फिक्र होने की जरूरत कि हमारे वो तेज़ से सिलेबस जा रहा है। तो आप अपना जो ये टॉपिक्स होंगे उन्हें अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ठीक हो गया। और जो पास्ट पेपर्स आए हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के ना, वो आपने लाजमी करने हैं। उसमें से MCQs देखेंगे किस लेवल का आता है, डरने की बात नहीं है। फार्मूला अच्छी तरह याद हो तो आप फार्मूले से वो ड्राइव कर सकते हैं, ठीक हो गया। और कोई ऐसे टेस्ट उठाएं, किसी ऐसे दो से वो टेस्ट लें कि जिसने पहले उसके ऊपर ना वो हल किए हुए हैं, ठीक है। और गाइड आप लाजमी लें किसी की, अगर आपके घर में कोई आपका MBBS भाई कज़न या कोई भी, आप उसे एक दफ़ा लाजमी गाइडेंस लें, या कोई दोस्त है या कोई दोस्त का आगे जानने वाला आप उससे भी गाइडेंस लें, ठीक है। ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास की ये स्कॉलरशिप होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ते हैं, 10 रुपीज़ आई थिंक सिर्फ फी पे करते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा चांस है एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए। फिर आपका जो पूरा सेशन होता है वो फ्री होता है। फिर आप उसमें क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब इंसान ने फीस नहीं ना दी होती फिर उसे वो इतनी वो चीज़ नहीं होती कि या मैंने रेगुलर अकेडमी जाना। फिर आप जब आप अकेडमी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अगर आप जैसे ही समझें कि भाई मेरी अब तैयारी कम इधर होती है, मैं घर जाके थक जाता हूँ, मेरा टाइम वेस्टेज होता है, तो आपने वहाँ अकेडमी को स्किप करने की ट्राई करनी। लाइक आप एक दिन जाएँ, एक दिन छुट्टी कर लें, ऐसे कर लें, तो आपके लिए ये भी करना ईजी आएगा। फीस दी होगी फिर भी आप ये करें, लेकिन जब फीस नहीं दी होती फिर इंसान इजीली कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर फीस दी या नहीं दी आपने, ये लाजमी ये देखना चाहिए जब रेगुलर सेशन स्टार्ट हो, तो एक दिन जाए एक दिन ना जाए, अगर ऐसे इजी रहता है। बिकॉज जितना टाइम आप अपनी बुक्स को ज़्यादा देंगे ना उतना फ़ायदा है एंट्री टेस्ट के लिए। आप जितने मर्जी नोट्स बनाई जाए, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, 6-6 घंटे अकेडमी लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ही क्या रहता बंदा थक जाता है, फिर 2 घंटे रेस्ट को, इतने घंटे रेस्ट को, तो वो फिर ना बहुत अजीब सी सूरत हाल होती है। कहने का मकसद है कि अगर आप ज़्यादा अपनी बुक्स को टाइम देंगे ना तो इंशाल्लाह आपके लिए एंट्री टेस्ट आसान है। बाकी दुआ लाजमी है, अल्लाह ताला की रहमत होनी चाहिए, उसके बगैर तो ये काम कोई भी नहीं होता, ठीक हो गया। तो आपने अब क्या करना है, इस टेस्ट को मंदन से इंशाल्लाह तैयारी करें और इसे MDCAT समझ के आपने लेना है ताकि आप इसकी स्कॉलरशिप गेन कर सकें। घबराने की जरूरत नहीं, खुदा ना खासा नहीं होता क्लियर, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसका एंट्री टेस्ट नहीं होगा।
क्लियर, अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, ये ओ लेवल का टेस्ट होता है, वो ओ लेवल का टेस्ट होता है, ठीक है, आप नहीं लाजमी देना। और रहेगी बात इसके, जो मैंने वो कहा था सर्कल फिलिंग की ना, तो इसके सर्कल होते हैं जरा बड़े ना, जो वो शीट देते हैं उसमें सर्कल फिलिंग करना मुश्किल होता है, तो आपने ये चीज़ टाइम जब फिल करने हैं, इस चीज़ का हिसाब रखना कि आपका टाइम मैनेज हो जाए, आपने वो तेज़ी से फिल करने और बाहर भी नहीं निकलने देना, ठीक है, जैसे भी आपने वो बॉल पॉइंट से करने। तो जो मेन चीज़ आई थिंक इसमें तंग करती है ना टेस्ट में, सेल्फ असेसमेंट में, वो था सर्कल फिलिंग, कैंड के ऊपर हमारा टाइम बहुत कम रह जाता है और सर्कल दो तीन या चंद सर्कल रह रहे होते हैं, तो वो फिर डर होता है कि यार अभी इन्हें फिल भी अभी करना है, इनकी स्टेटमेंट पढ़नी है, जो भी ना जैसे आप करें, तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है। ठीक हो गया, बाकी ख्याल रखिए, अपना कोई सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कहें पूछे, ठीक है, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की ट्राई करूँगा। मेरे वाई पास वगैरह भी चल रहे हैं, 4 को हैं, तो दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं अभी बेड रेस्ट पर ही हूँ ना, तो ये बालों से भी आपको नजर आ होगा बहुत बड़े हैं, गुड बाय। नहीं, खैर मुझे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, तो अनबिलीवेबली बस मेरे साथ वो इंसिडेंट हो गया था। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपका भी हामी नासिर हो, हमारा भी हामी नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।